أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم and welcome to my channel. आज की इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट ईयर से एक एक्सरसाइज करने वाले हैं. लेसन का नाम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस. दिस इज अ पोएम व्हिच इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. और आज की इस वीडियो में हम इस लेसन की एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी एंड ग्रामर. Use dictionary to find meaning of the following words. In अल्फाज के आपने मानी तलाश करनी है डिक्शनरी इस्तेमाल करके. Identify the part of speech. आपने ये भी बताना है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, यानी नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है. अच्छा, through abbreviations used, यानी abbreviation लगाकर आपने ये बताना है कि ये नाउन है या प्रोनाउन है या वर्ब है या एडजेक्टिव है. एंड फाइंड गाइड एंड एंट्री वर्ड्स. गाइड और एंट्री वर्ड्स भी आपने तलाश करने हैं. अच्छा, तो सबसे पहले नंबर पर लफ्ज है ऑप्शनल. तो ऑप्शनल ग्रामर के लिहाज से क्या है, ये एक एडजेक्टिव है. नेक्स्ट हमारे पास है इंस्ट्रक्शंस. तो इंस्ट्रक्शन क्या है, ये है हिदायत. इंडिपेंडेंटली ये हमारे पास है एडवर्ब. इंस्ट्रक्शन हमारे पास नाउन है. इंडिपेंडेंटली हमारे पास है एडवर्ब. टर्म्स हमारे पास है नाउन. जीनियस जहीन को कहते हैं, तो लिहाजा ये हमारे पास है एडजेक्टिव. स्पेसिमेन हमारे पास है नमूना, और ये नाउन है. पियर्स, पियर्स साथी को कहते हैं, दोस्त को कहते हैं, क्लास फेलो को कहते हैं, लिहाजा ये भी नाउन है. एक्सेप्टेबल के मानी है काबिल कबूल, और ये हमारे पास है एडजेक्टिव. असाइनमेंट हमारे पास नाउन है, और ये काम को कहते हैं. इस तरीके से मेंटल, मेंटल हमारे पास एडजेक्टिव है. अब इन्हीं अल्फाज को आपने इन 10 खाली जगहों पर आपने ये लगाने हैं. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स इन द बॉक्स अबव. मेक प्लूरल इफ नीडेड. अगर जरूरत हो तो आप इसको प्लूरल भी बना सकते हैं. स्टार्ट करते हैं. ये नंबर फर्स्ट इज 3 days was simply not an acceptable amount of time to complete such a lot of work. So, first number mein aayega acceptable. Number second, you don't need to be a genius to see what the problem here is. So, jo genius ka lafz hai, ye yahan par aayega. Number three, make sure you read all the instructions carefully before setting up the device. Number four hai, there are special schools for students with mental disorder. Number fifth, seeing that some of their peers have won, peers ka lafz jo hai wo yahan par aayega. Children ask their parents for a mobile phone at a very early age. Number six, when the space probe landed on Mars, the first thing it did was to take a specimen from the Martian soil. To yahan par aayega specimen. The students get monthly assignment which usually include writing a report. Yahan par assignment ka lafz aayega. Number 8 hai, half of the courses in our department were optional. Optional ka lafz yahan par aayega. There were a variety of courses to choose from. Number 9, children need to be taught to learn independently. Independently ka lafz yahan par aayega at primary school, otherwise they can't get anywhere in their school life. Number 10, in most countries, schools have 2 terms or semesters, while in other there can be up to 6. यहाँ पर terms का लफ्ज़ जो है वो आएगा. तो ये था vocabulary के हवाले से. अब आगे बढ़ते हैं. आगे है grammar. Grammar में है use the words in parentheses as a participle in the blank. तो participle को सबसे पहले समझते हैं. आपको पता है कि हमारे पास वर्ब्स 2 किस्म के होते हैं. एक को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब्स, और दूसरे को हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स. तो ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स है, इनके 3 अकसाम होते हैं. एक को हम कहते हैं जेरंट, दूसरे को हम कहते हैं इन्फिनिटिव, और तीसरे को हम कहते हैं पार्टिसिपल्स. तो पार्टिसिपल्स क्या है, ये बी वर्ब्स के मुख्तलिफ किस्म के हालत होते हैं. पार्टिसिपल हमारे पास 3 किस्म के हैं. एक को हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल,
दूसरे को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल और तीसरे को हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो एक एक करके इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने ये समझना है कि ये जो पार्टिसिपल है ये वर्ब के हालत होते हैं, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है ये वर्ब की पहली हालत होती है जब हम उसके साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं। तो ये फिर क्या होता है, इसको हम जुमले के अंदर इस्तेमाल कर तो लेते हैं लेकिन ये वर्ब नहीं रहता, ये हमेशा एडजेक्टिव का काम करता है। लेट सपोज मैं आपको एक इसकी मिसाल दे देता हूं, ही जंप्स या ही जंप्ड फ्रॉम द रनिंग कार। अब इसके अंदर ये जो जंप्ड का लफ्ज है ये क्या है, ये वर्ब है, और रनिंग कार क्या है, रनिंग रनिंग का लफ्ज जो है ये यहां पर एडजेक्टिव का काम करता है। अगरचे ये वर्ब है लेकिन इसके साथ हमने आईएनजी का इस्तेमाल किया, ये हमें कार के हवाले से एक्स्ट्रा मालूमात फराहम कर रहा है, लिहाजा ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा पार्टिसिपल और ये हमारे पास एडजेक्टिव है। यानी जब कोई भी वर्ब पहली वर्ब के साथ हम आईएनजी का इजाफा कर लेते हैं तो और वो उसी जुमले के अंदर एडजेक्टिव का काम करे तो उसको फिर हम वर्ब नहीं कहते, उसको हम फिर पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और अब नेक्स्ट, लेट सपोज मैं आपको ये कहूं कि अ वेटिंग बॉय। वेटिंग बॉय क्या है, अब वेटिंग, आई मेट अ वेटिंग बॉय, ये एक जुमला है, आई मेट अ वेटिंग बॉय। तो यहां पर मेट हमारे पास वर्ब है लेकिन वेटिंग हमारे पास वर्ब नहीं हो सकता क्योंकि ये हमें नाउन बॉय के हवाले से बता रहा है, वेटिंग बॉय जो कि इंतजार करने वाला लड़का है। तो वहां पर ये वेटिंग क्या है, ये हमारे पास एडजेक्टिव का काम करता है और ये है पार्टिसिपल। इस तरीके से ही टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब इंटरेस्टिंग जो है ये क्या है, ये हमारे पास पार्टिसिपल का काम कर रहा है। इस तरीके से ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब हम पास्ट पार्टिसिपल के हवाले से पढ़ते हैं। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, ये वर्ब की तीसरी हालत को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। बाज़ औक़ात किसी जुमले के अंदर हम पास्ट पार्टिसिपल को बतौरे यानी जो वर्ब होता है वर्ब की तीसरी हालत को हम इस्तेमाल कर लेते हैं और वो उस जुमले के अंदर एडजेक्टिव का काम करता है। लेट सपोज मैं आपको ये कहूं कि दिस आई बॉट अ ब्रोकन कार। आई बॉट अ ब्रोकन कार, यहां पर ब्रोकन क्या है, ये हमारे पास वर्ब नहीं है। अब ये वर्ब की तीसरी ब्रेक ब्रोकन ये उसकी तीसरी हालत है लेकिन ये इस जुमले के अंदर बतौरे एडजेक्टिव काम करता है ब्रोकन कार, क्योंकि ये कार के हवाले से हमें एक्स्ट्रा मालूमात फराहम कर रहा है। इस तरीके से मैं अगर एक और जुमला कहूं कि दिस इज अ आई फाउंड फॉरगॉटन पिज्जा। फॉरगॉटन पिज्जा, अब यहां पर क्या है, फॉरगॉटन क्या है, ये वर्ब की तीसरी हालत है लेकिन यहां पर पिज्जा के हवाले से हमें एक्स्ट्रा मालूमात दे रहा है जो कि इस जुमले के अंदर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लिहाजा ये जो पास्ट पार्टिसिपल है ये वर्ब की तीसरी हालत होती है और ये किसी जुमले के अंदर एडजेक्टिव का काम करती है। लेट सपोज मैं ये कहूं कि आई बॉट अ ब्रोकन चेयर। अब ब्रोकन किया है, ये इस जुमले के अंदर बतौर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नेक्स्ट जो इसकी किस्म है वो है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, उसमें हम वर्ब की तीसरी हालत इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन उससे पहले हम हैविंग का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। हैविंग कोई काम जो है, हैविंग फिनिश्ड माई मील, हैविंग फिनिश्ड माई मील आई वेंट आउट, मैं बाहर गया। ठीक है, तो यहां पर ये जो हैविंग फिनिश्ड माई मील, यहां पर ये हैविंग फिनिश्ड किया है, ये बतौर एडजेक्टिव का काम कर रहा है और इसको हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हमारी जो हमारा जो लेसन है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के हवाले से है। परफेक्ट पार्टिसिपल वो हो सकता है बाद के एक्सरसाइज में आ जाए तो वो उसमें फिर पढ़ेंगे। अच्छा, अब आसान तरीका क्या है कि जब हम हमें ये कहा जाए कि आप पार्टिसिपल का लफ्ज इस्तेमाल करें तो हमने अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का लफ्ज इस्तेमाल करना हो तो हम
वर्ब की पहली हालत के साथ आई इन जी का इजाफा करेंगे। और अगर वो मुनासिब लफ्ज ना हो सकता है बाज अवकात वो लफ्ज मुनासिब ना हो तो हम उसकी जगह पर पास्ट पार्टिसिपल को भी लगा सकते हैं। तो आप इसमें देखें, सेंटेंस नंबर फर्स्ट है अ वेटिंग बॉय, ये क्या आ जाएगा, वेटिंग बॉय। नंबर सेकंड में आ जाएगा एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, इंटरेस्टिंग। ये जो ब्रैकेट के अंदर जो वर्ब दिया गया है उसके साथ आपने सिर्फ आई इन जी का इस्तेमाल करना है या उसी वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है। अब ब्रेकिंग कार हो नहीं सकता ब्रेकिंग, तो इसकी जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करेंगे, अ ब्रोकन कार। इस तरीके से नंबर फोर में भी हम पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करेंगे, द फॉरगॉटन पिज्जा। फॉरगॉटन पिज्जा क्यों इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फॉरगेटिंग पिज्जा जो है वो नहीं हो सकता, वो मुनासिब नहीं है। नंबर पांच है द वर्किंग फादर, वर्किंग फादर, वर्क का लफ्ज जो है उसके साथ आई जी का इजाफा करेंगे, आई सा हिम गोइंग, तो गो के साथ आई जी का इजाफा कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सेंटेंस नंबर सेवन, द रिपेयर्ड कंप्यूटर, ये बन जाएगा द रिपेयर्ड कंप्यूटर। नंबर एट है द टॉकिंग स्टूडेंट्स, नंबर नाइन है एक्साइटेड फैंस, नंबर टेन है द गर्ल लिविंग नेक्स्ट डोर, यहां पर लिविंग का लफ्ज जो है वो आएगा। नंबर बी में है पुट इन द वर्ब्स इन पैरेंथेसिस एज पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल इन टू द ब्लैंक, ही नहीं आपकी अपनी मर्जी है, जहां पर प्रेजेंट का प्रेजेंट पार्टिसिपल का लफ्ज आ सकता है तो आप वो लगा ले, अगर वो मुनासिब नहीं है तो फिर आप पास्ट पार्टिसिपल लगाएं। तो नंबर एक में है ही सा हिज फ्रेंड गोइंग, यहां पर आएगा गोइंग। नंबर सेकंड में है द बस क्रैश इनटू द ब्लू कार ड्राइविंग डाउन द हिल, ड्राइविंग आएगा। अयान हर्ट हिज लेग डूइंग कराटे, सॉरी। नंबर फोर है द अम्ब्रेला फाउंड, यहां पर फाउंड का लफ्ज बेहतर है, यानी पास्ट पार्टिसिपल आएगा। नंबर पांच द पीपल वॉकिंग, नंबर सिक्स में आएगा आई हर्ड माई मदर टॉकिंग, यहां पर टॉकिंग का लफ्ज सही आएगा। नंबर सेवन है माई अंकल ऑलवेज हैज हिज कार वॉश, यहां पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब या पास्ट पार्टिसिपल आएगा, सॉरी। नंबर एट है वी स्टूड वेटिंग, यहां पर लफ्ज आएगा वेटिंग। नंबर नाइन है लुकिंग डाउन फ्रॉम द टावर, यहां पर लुकिंग का लफ्ज आएगा। नंबर टेन में आएगा द पीपल ड्रो ऑफ इन अ स्टोलन कार, स्टील की बजाय यहां पर आएगा स्टोलन। नंबर सी में है पुट इन द वर्ब्स इन पैरेंथेसिस एज पास्ट पार्टिसिपल इन टू द ब्लैंक, खाली जगहों पर आपने पास्ट पार्टिसिपल अब लगाना है, यानी हर एक वर्ब की तीसरी हालत आपने इस्तेमाल करनी है। रिपेयर से बन जाएगा रिपेयर्ड, स्टील से बन जाएगा स्टोलन, फैसिनेट से बन जाएगा फैसिनेटेड, और बोर से बन जाएगा बोर्ड, सॉरी कंफ्यूज्ड बन जाएगा कंफ्यूज से, और फॉरगेट से बन जाएगा फॉरगॉटन, और डिसअपॉइंटेड बन जाएगा डिसअपॉइंट से। नंबर एट है स्वेप, स्वेप किसे कहते हैं, ये एक किस्म का जब हम एक दूसरे के साथ कोई चीज जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं स्वेप, तो यहां पर आएगा स्वेप्ड, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा, वरीड इस्तेमाल होगा, और नंबर टेन में इस्तेमाल होगा एम्यूज्ड। अच्छा, अब नंबर डी में क्या करना है, पुट इन द वर्ब्स इन पैरेंथेसिस एज प्रेजेंट पार्टिसिपल इन टू द ब्लैंक, इसमें भी आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, वर्ब की पहली हालत के साथ आपने आई इन जी का इस्तेमाल करना है। बार्किंग डॉग्स नंबर एक, नंबर सेकंड प्लेइंग चिल्ड्रन, नंबर थर्ड स्क्रीमिंग गर्ल्स, नंबर फोर फाइटिंग कॉबॉयज, नंबर फाइव स्विमिंग डक्स, नंबर सिक्स क्राइंग बेबीज, नंबर सेवन रनिंग वाटर, नंबर एट सिंगिंग टीचर्स, नंबर नाइन फॉलिंग लीव्स, टेन लाइंग पीपल। तो ये था एक्सरसाइज, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। किसी भी जगह पर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ ले, इंशाल्लाह मैं आपको इसका जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।